हेलो हाय एवरीवन, माय सेल्फ संतोष कुमार। आज हम स्टडी करते हैं, जो हमारे लास्ट वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं। लास्ट देखो, हमने लेक्चर के अंदर ये स्टडी किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। कुछ पॉइंट्स हम रिवाइज करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन आती है, और उससे पहले भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम रिवाइज करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी हम वीडियोस बनाते हैं वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इस हिसाब से आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में हेल्प करेंगे। ऑलमोस्ट ये बायो के वीडियोस तो नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, वेरिएशन आती है। वो क्यों आती है, वो हमने कल स्टडी किया था कि वहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है जो मियोसिस से होता है, इसी वजह से वेरिएशन आती है। तो आज हम स्टडी ये करने वाले जो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है तो उसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स आते हैं जिस वजह से रिप्रोडक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म हो पाती है। हमने क्या किया है, इन सारे इवेंट्स को बेसिकली तीन स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। सबसे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है जो सेकेंड वाला होता है, फर्टिलाइजेशन। फिर देखो, अब देखो, फर्टिलाइजेशन से जो पहले स्टेप्स होते हैं या फर्टिलाइजेशन से जो पहले फिनोमेना होती है, तो पहले के लिए अपन प्री टर्म यूज करते हैं। इस वजह से अपन ने फर्स्ट इवेंट का नाम रखा है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट नाम रखा है। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन खुद है, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद में जो इवेंट्स होते हैं उसे अपन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। तो इस हिसाब से देखो, हमारे फर्टिलाइजेशन के अंदर या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तीन इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। नाउ लेट्स लुक ऑन द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब देखो, इसमें क्या होता है कि जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट किसे कहते हैं, सिंपली टर्म से पता चल रहा है कि वो सारे इवेंट, वो सारे स्टेप जो फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो उन सारे इवेंट को अपन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर डालते हैं। इसके अंदर देखो क्या होता है, सबसे पहले सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म गैमेट प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद में उसी गैमेट को ट्रांसफर करेगा। तो इसी वजह से अपन ने क्या किया है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को फर्दर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। उसके अंदर फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड है गैमेट ट्रांसफर। तो अभी अपन यहाँ पे ये स्टडी करते हैं गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं। देखो, गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, गैमेटो टर्म रिप्रेजेंट करता है गैमेट। गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर गैमेट फॉर्म होते हैं, तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अभी एक और टर्म देखो यहाँ पर, मियोसाइट। मियोसाइट किसे कहते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसे अपन कहते हैं गैमेट मदर सेल्स कहते हैं, क्योंकि उन सेल में ही आगे जाकर गैमेट बनते हैं। तो इस वजह से उन सेल्स को अपन क्या कहते हैं, मियोसाइट कहते हैं। मियोसाइट की नेचर क्या होती है, डिप्लोइड नेचर की होते हैं। अगर अपन स्टडी करें ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो इन्हों की जो नेचर होती है और या स्पीशीज के जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो सेम ही रहते हैं। तो इसी वजह से अपन ये कहते हैं, अगर ह्यूमंस के बारे में स्टडी करें, कि जो मियोसाइट्स होते हैं वो डिप्लोइड नेचर के होते हैं, ये गैमेट मदर सेल्स होते हैं, गैमेट नहीं होते हैं। अभी ये आगे क्या करते हैं, मियोसिस को फॉलो करते हैं, तो इसी वजह से इनके अंदर गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। और हमने ये भी स्टडी किया है कि मियोसिस के अंदर एक ये रिडक्शनल डिवीजन है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं। इसी वजह से अगर मियोसाइट से गैमेट बनेंगे तो उनकी नेचर क्या हो जाती है, हैप्लोइड हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, दूसरी चीज भी आपको लर्न रखनी है कि मियोसाइट से जो गैमेट बनते हैं उनकी नेचर क्या होती है, हैप्लोइड होती है। क्योंकि ये किस तरीके से बनते हैं, ये एक्चुअल के अंदर मियोसिस से बनते हैं। और हमने पहले स्टडी किया है कि मियोसिस के अंदर एक रिडक्शनल सेल डिवीजन है। तो इस वजह से दो चीज़ें और क्लियर हो गई यहाँ पर, कि जो सेल्स आगे जाकर गैमेट फॉर्म करेंगे उन्हें अपन गैमेट मदर सेल्स या मियोसाइट कहते हैं, और गैमेट की नेचर हमेशा हैप्लोइड रहती है। इन द केस अगर ऑर्गेनिजम्स हैप्लोइड है तब भी गैमेट हैप्लोइड ही बनते हैं, अगर ऑर्गेनिजम्स डिप्लोइड है तब भी गैमेट क्या बनते हैं, हैप्लोइड बनते हैं। ये अपन ने देखो प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन ये आता है कि अगर सर ऑर्गेनिजम्स डिप्लोइड है तो उसके गैमेट हैप्लोइड बनते हैं, अब मेल और फीमेल गैमेट दोनों कंबाइन होकर फर्दर से जो ऑफस्प्रिंग होता है उसके अंदर नेचर क्या हो जाती है, मेंटेन्ड रह जाती है, डिप्लोइड हो जाती है। जैसे हमारे अंदर जो मेल पार्टनर है उसका जो स्पर्म होता है वो हैप्लोइड होता है, और फीमेल पार्टनर का ओवम हैप्लोइड होता है, दोनों कंबाइन होकर डिप्लोइड बनाते हैं, तो ऑफस्प्रिंग का नेचर क्या हो जाता है, डिप्लोइड हो जाता है। इन द केस अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैप्लोइड है, अभी हमने ये डिस्कस किया कि अगर ऑर्गेनिजम्स हैप्लोइड है तो उसकी गैमेट भी कैसे होते हैं, हैप्लोइड रहेंगे, क्योंकि गैमेट की नेचर ही हैप्लोइड है। तो इस कंडीशन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग है उसकी नेचर तो चेंज हो जाएगी,
तो यहाँ पर देखो एक और चीज आपको लर्न रखनी है, इन द केस अगर ऑर्गेनिजम्स जो पेरेंट है, अगर वो पेरेंट क्या रहते हैं, हैप्लोइड रहते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उनके गैमेट तो क्या होंगे, गैमेट हैप्लोइड ही होंगे, और गैमेट ये बनेंगे माइटोसिस से बनेंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, जैसे मेल है और फीमेल भी गैमेट प्रोड्यूस करेगी, ये भी कैसा होगा, हैप्लोइड होगा, दोनों कंबाइन होकर जाइगोट बनाएंगे जो डिप्लोइड होंगे। अब यहाँ पर देखो दिक्कत यह आ जाती है कि इस स्पीशीज की नेचर कैसी, हैप्लोइड। अगर इसी जाइगोट से ऑर्गेनिजम्स बन गया तो इस कंडीशन के अंदर वो तो एक न्यू जनरेशन बन जाएगी, एक न्यू ऑर्गेनिजम्स आ जाएगा, स्पीशीज भी चेंज हो जाएगी। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है, और मियोसिस की वजह से हैप्लोइड क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, और फिर ये जाकर न्यू वन के अंदर चेंज होते हैं। तो इस कंडीशन से जो नेचर होती है स्पीशीज की वो मेंटेन रहती है, और वेरिएशन भी आती है क्योंकि जाइगोट बनने के बाद में मियोसिस हो रही है। तो यहाँ पे एक चीज आपको लर्न रखनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, कि जो गैमेट होते हैं वो हमेशा हैप्लोइड नेचर के होंगे, चाहे ऑर्गेनिजम्स डिप्लोइड नेचर का हो चाहे ऑर्गेनिजम्स हैप्लोइड नेचर का हो, दोनों कंडीशंस के अंदर गैमेट हमेशा हैप्लोइड ही होंगे। गैमेट मियोसिस से भी फॉर्म हो सकते हैं जब ऑर्गेनिजम्स की नेचर डिप्लोइड होती है, गैमेट माइटोसिस से भी फॉर्म हो सकते हैं जब ऑर्गेनिजम्स की नेचर हैप्लोइड होती है। फिर देखो नेक्स्ट क्या आता है कि ऑर्गेनिजम्स गैमेट तो प्रोड्यूस करते हैं, चलो इस प्रोसेस को अपन गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। फर्दर हम ऑर्गेनिजम्स को दो क्लासेस के अंदर कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ गैमेट, कि जो गैमेट दिखने में कैसे होते हैं। कुछ ऐसे गैमेट्स होते हैं या कुछ स्पीशीज के गैमेट्स ऐसे होते हैं जो दिखने में हमारे को आइडेंटिकल दिखाई देते हैं, और कुछ स्पीशीज के गैमेट मेल और फीमेल पार्टनर के अंदर जो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल डिस्टेंट होते हैं या डिफरेंट होते हैं। तो उस कंडीशंस के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं। एक आता है होमोगैमेट, होमो का मतलब क्या, सेम, गैमेट का मतलब गैमेट। यहाँ पर है मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, अगर कोई भी स्पीशीज के अंदर मेल और फीमेल पार्टनर्स गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो मॉर्फोलॉजिकली सेम दिखाई देते हैं तो उन गैमेट्स को अपन क्या कहते हैं, होमोगैमेट्स कहते हैं या आइसोगैमेट्स कहते हैं। जैसे एल्गी, हमारे 12th क्लास के अंदर एग्जाम्पल लिखा हुआ क्लेडोफोरा, जो एक एल्गी का ही एग्जाम्पल है, जिस कंडीशन के अंदर मेल और फीमेल पार्टनर मॉर्फोलॉजिकली सेम टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर हमारे पास सिर्फ गैमेट हो और हमें ये पूछा जाए कि मेल का गैमेट कौन सा है, फीमेल का गैमेट कौन सा है, तो हम देखकर ये नहीं बता सकते कि ये मेल का या फीमेल का है। इस वजह से इन गैमेट्स को या इन ऑर्गेनिजम्स को अपन क्या कहते हैं, होमोगैमेट्स कहते हैं, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली सेम टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। वहीं पर देखो अगर सपोज करो ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज के अगर गैमेट्स हो मेल पार्टनर के, फीमेल पार्टनर के, और हमारे को अलग अलग क्या स्पेसिमेन में दिया जाए, उस कंडीशन में अगर हमारे को आइडेंटिफाई करना है तो अपन विद इन अ सेकेंड के अंदर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मेल गैमेट कौन सा है, फीमेल कौन सा है। क्योंकि देखो आप बचपन से पढ़ते आए हो, मेल गैमेट जिसे अपन स्पर्म कहते हैं उसकी स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके की होती है, फीमेल गैमेट जिसे अपन ओवम कहते हैं उसकी स्ट्रक्चर अलग होती है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ नोटिस करने की है कि जो ह्यूमंस है और जो प्लांट्स है जो मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं उनकी मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर्स क्या होती है, अलग होती है। इस वजह से इन्हें अपन क्या कहते हैं, हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। तो जनरली अपन यहाँ पे ह्यूमंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा उसे अपन क्या कहते हैं, एंथ्रोजोइट्स कहते हैं, या उन्हें अपन क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। वहीं पर जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है उसे अपन क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं या एग कहते हैं। और वहीं पर जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है उसे अपन क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, या तो उसे अपन एग कहते हैं। एक और चीज आपको लर्न करने की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द नेचर ऑफ द फीमेल गैमेट और मेल गैमेट, तो आंसर है हैप्लोइड। तो यहाँ पे देखो नीट का क्वेश्चन पूछा जाता है इसी टॉपिक में से, अच्छे तरीके से लर्न करके जाना। फिर देखो नेक्स्ट क्या आता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम ऑर्गेनिजम्स को दो क्लासेस के अंदर कैटेगराइज करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, दोनों एक के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। वहीं पे कुछ स्पीशीज के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले देखो अपन का फर्स्ट आता है कि कुछ स्पीशीज के मेंबर्स को अपन यूनिसेक्सुअल कहते हैं, कुछ स्पीशीज के मेंबर्स को हम बायसेक्सुअल कहते हैं। ऐसा क्यों, देखो यूनि का मतलब क्या होता है, वन, सेक्सुअल का मतलब ये होता है सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, आइदर वो मेल हो सकता है या तो वो क्या हो सकता है, फीमेल। तो इन इस कंडीशंस के अंदर उन ऑर्गेनिजम्स को अपन क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। यूनि का मतलब वन, सेक्सुअल का मतलब सेक्स ऑर्गन। और इसी के लिए देखो एक और टर्म भी यूज किया जाता है, डाइशीज, क्योंकि इनको ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करने के लिए दो पार्टनर्स की नीड पड़ती है इस स्पीशीज के अंदर,
इसी वजह से अपन ने एक और टर्म यूज करते हैं डायशियस, वहीं पर एक और भी टर्म यूज किया जाता है हेट्रोथेलिक। हेट्रो का मतलब होता है अलग, थेलिक का मतलब होता है बॉडी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए दो अलग पार्टनर्स की नीड है, तो इसी वजह से इनको अपन हेट्रोथेलिक भी कहते हैं। और तो इस हिसाब से देखो क्या हो गया कि हम ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अकॉर्डिंग यानी कि सेक्स ऑर्गन के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं, जिसमें एक है यूनिसेक्सुअल, जिसको दूसरे नाम से प्रोनाउंस करते हैं डायशियस या अपन हेट्रोथेलिक भी कहते हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट के अंदर भी, सीबीएसई के अंदर भी, आरबीएसई के अंदर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो अच्छे तरीके से लर्न रखना, एक चीज हमेशा याद रखना कि डायशियस हमेशा क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब देखो कन्फ्यूजन क्यों आएगी, एक और टॉपिक अपन स्टडी करते हैं फिर आपको पता चल जाएगा कि कन्फ्यूजन क्यों आती है। देखो डायशियस का एग्जाम्पल है जैसे ह्यूमन, हमारे अंदर आइदर कोई भी एक जो सिंगल इंडिविजुअल मेंबर है हमारी स्पीशीज का, आइदर वो मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है एक्सेप्शन को छोड़कर। वहीं पे कॉकरोच के अंदर और पपैया के अंदर और डेड पाम के अंदर, ये चारों किसके एग्जाम्पल है, यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल नीट के अंदर पूछे जाते हैं। तो अच्छे तरीके से लर्न रखना कि डायशियस के यूनिसेक्सुअल के क्या क्या एग्जाम्पल है, ह्यूमन, कॉकरोच और डेड पाम और पपैया। तो नीट के अंदर देखो क्वेश्चन, तो नीट के अंदर देखो है ना क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो अच्छे तरीके से लर्न रखना, चार एग्जाम्पल है यूनिसेक्सुअल के, ह्यूमन, कॉकरोच, पपैया और डेड पाम। तो ये चारों अच्छे तरीके से लर्न रखना। फिर देखो नेक्स्ट क्या आता है, बायसेक्सुअल। बायस का मतलब क्या होता है, टू, सेक्सुअल का मतलब है सेक्स ऑर्गन। अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बायसेक्सुअल कहते हैं। तो बायसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, दो सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल के अंदर या एक ही मेंबर के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो एक ही मेंबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन द केस अगर ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना चाहे तो किसी और पार्टनर की नीड नहीं पड़ती, इसी वजह से इन्हें अपन क्या कहते हैं, मोनोशियस कहते हैं, या इन्हें अपन क्या कहते हैं, हर्मेफ्रोडाइट भी कहते हैं। तो ये अलग अलग टर्म से अपन रिप्रेजेंट करते हैं बायसेक्सुअल को। तो देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या आती है, देखो मोनोशियस क्या है, बायसेक्सुअल है, वहीं पे डायशियस क्या है, यूनिसेक्सुअल है। तो बच्चे ये समझते हैं डायशियस का मतलब बायसेक्सुअल और मोनोशियस का मतलब यूनिसेक्सुअल, क्योंकि मोनो का मतलब वन, यूनि का मतलब वन, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में यूनिसेक्सुअल टर्म उनके सेक्स ऑर्गन के अकॉर्डिंग दिया गया है, डायशियस टर्म रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए कितने पार्टनर की नीड पड़ती है, तो इस हिसाब से। तो यूनिसेक्सुअल में दो पार्टनर्स की नीड पड़ती है, इस हिसाब से वो डायशियस होते हैं। बायसेक्सुअल के अंदर सिंगल पार्टनर से काम चल जाता है, इस वजह से उन्हें अपन क्या कहते हैं, मोनोशियस कहते हैं। तो अच्छे तरीके से लर्न रखना कि डायशियस यूनिसेक्सुअल होते हैं और मोनोशियस क्या होते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं, मतलब दोनों अपोजिट है बस। अब इसके एग्जांपल क्या है, देखो हमारे एनसीईआरटी के अंदर कुछ एग्जांपल दिए हुए, अच्छे तरीके से लर्न करके जाना है, क्योंकि नीट के अंदर देखो अभी डेफिनेशन तो पूछेंगे नहीं कि यूनिसेक्सुअल की डेफिनेशन क्या होती है, वो एक्चुअल के अंदर एग्जांपल पूछते हैं, तो एग्जांपल पे ही एमसीक्यूज बनता है। तो स्पंज जो बायसेक्सुअल या मोनोशियस है, टेपवर्म भी मोनोशियस है, अर्थवर्म भी मोनोशियस है, या हर्मेफ्रोडाइट है, लीच और कुकरबिट्स कोकोनट, ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जो मोनोशियस की स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखो अपन का एक स्टेप हो जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो गैमेट बनने के प्रोसेस और गैमेट के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिजम्स को किस कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करते हैं। फिर देखो इसी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर नेक्स्ट आता है कि जब ऑर्गेनिजम्स के अंदर गैमेट बन जाते हैं तो वो गैमेट किसी काम के नहीं है जब तक वो फ्यूज नहीं होंगे। तो फ्यूज खुद ब खुद तो होंगे नहीं, सबसे पहले उनको फिजिकली कॉन्टैक्ट में लाना पड़ेगा। तो इस कंडीशंस के अंदर जो फ्यूजन से पहले एक और स्टेप आता है कि गैमेट को ट्रांसफर करना पड़ेगा मेल और फीमेल गैमेट्स को। अब कुछ कंडीशंस के अंदर सिर्फ मेल गैमेट ट्रांसफर होता है फीमेल के टूवर्ड, कुछ कंडीशंस के अंदर दोनों ट्रांसफर होते हैं, तो वो अपन का नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे सिर्फ अपन को ये ध्यान देना है कि दोनों गैमेट्स को फिजिकली कॉन्टेक्ट में लेके आना है। तो इस कंडीशंस के अंदर गैमेट की ट्रांसफर होती है तो उस स्टेप को अपन कहते हैं गैमेट ट्रांसफर कहते हैं, जो प्री फर्टिलाइजेशन का ही इवेंट माना जाता है। जैसे ही गैमेट ट्रांसफर हो जाएगा, अपन ये मानकर चलते हैं कि फीमेल गैमेट स्टेशनरी है और मेल गैमेट ट्रांसफर होता हुआ आएगा। अब दोनों देखो क्या हो गए, पास में आ गए, फीमेल ओवम है, मेल स्पर्म है, अगर अपन ह्यूमंस की बात करते हैं। फिर देखो क्या होगा, फिर उस कंडीशंस के अंदर यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन को देखो एक और टर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, सिंगेमी भी कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी एक ही मतलब है। तो जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं तो इस प्रोसेस को अपन फर्टिलाइजेशन या इस प्रोसेस को अपन सिंगेमी भी कहते हैं, क्योंकि फ्यूजन ऑफ उनके साइटोप्लाज्म का, उसके बाद उनके न्यूक्लियस का भी होगा। अब फर्टिलाइजेशन देखो कहाँ पे हो रही है,
क्या किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर हो रही है, जनरली फीमेल की बॉडी के अंदर होती है या आउटसाइड द बॉडी होती है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हो रही है। तो इस हिसाब से फर्टिलाइजेशन को फर्दर से हमने दो कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया है। एक है देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखो टर्म से पता चल रहा है हमारे को, अगर फर्टिलाइजेशन किसी भी स्पीशीज के मेंबर के अंदर आउटसाइड द बॉडी, और ये मीडियम होता है जनरली वाटर के अंदर, तो आउटसाइड द बॉडी होती है तो उसे अपन कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर फर्टिलाइजेशन उसी के बॉडी के अंदर होती है, जनरली वो फीमेल होती है, तो उसे अपन कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, मोस्ट प्रोबेबली जो मीडियम होता है वो क्या होता है, वाटर ही होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाटर के अंदर ही होती है, क्योंकि वाटर एक सुइटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है या एक होस्टेबल एनवायरनमेंट होता है। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ लर्न रखने की है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होती है, जैसे एम्फीबियंस के अंदर और बोनी फिशीज के अंदर, जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल लिखे हुए, अच्छे तरीके से लर्न करके जाना कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होती है। तो वो एक तो होती है बोनी फिशीज के अंदर, दूसरे एम्फीबियंस के अंदर। अब देखो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनेगा कि जो मेल और फीमेल गैमेट है दोनों कंबाइन होकर फर्टिलाइजेशन की रिजल्ट के अंदर एक न्यू स्ट्रक्चर बनाया गया, एक सिंगल सेल बनाई गई, जिसे अपन क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर क्या बनता है, जायगोट बनता है। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करने की कि फर्टिलाइजेशन की रिजल्ट के अंदर गैमेट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो रही है तो जायगोट भी कहाँ पे बनेगा, वाटर के अंदर ही बनेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बनेगा। उसकी डेवलपमेंट भी कहाँ होगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होगी। अब दूसरा देखो एनिमल के पास इतना माइंड तो होता नहीं है, तो इस कंडीशंस के अंदर वाटर के अंदर वो वहीं पे आसपास में वेट नहीं करते कि कब उनके बच्चे बड़े होंगे, उनको शिक्षा देंगे या उनको अपनी कुछ नॉलेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारे इंसानों के अंदर है। तो इस कंडीशंस के अंदर वो अपना काम करके चले जाते हैं। फिर क्या होता है, वाटर के अंदर मेल और फीमेल गैमेट कंबाइन होकर जायगोट बनाते हैं। अभी जायगोट आगे जाकर क्या होगा, एक न्यू ऑफ स्प्रिंग के अंदर चेंज हो जाएगा। अब वाटर के अंदर देखो सिर्फ वो एक स्पीशीज तो रहती नहीं, जैसे अगर अपन फ्रॉग का मानते हैं तो फ्रॉग भी वाटर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन करता है। अब दूसरी स्पीशीज भी वहां पे रहती है, वो क्या कर लेती है कि फ्रॉग के न्यू ऑफ स्प्रिंग को एज ए प्रे कर लेती है। तो जो प्रीडेटर्स होते हैं वो इन ऑफ स्प्रिंग को, जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो इन प्रीडेटर्स के लिए प्रे हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। तो इसी वजह से चांसेस होते हैं कि उनके ऑफ स्प्रिंग डेवलप ना हो पाए। तो इसी चांसेस को मिनिमाइज करने के लिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को शो करते हैं, उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि मेल और फीमेल पार्टनर्स बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। तो इस कंडीशंस के अंदर जायगोट भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, उनमें से कुछ ही ऑफ स्प्रिंग अच्छे तरीके से डेवलप हो जाते हैं, बाकी के जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो एज ए प्रे हो जाते हैं प्रीडेटर के लिए। तो क्यों वो सबसे ज़्यादा गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनके पास एक रिस्क फैक्टर होता है और बहुत ही कम ऑफ स्प्रिंग डेवलप हो जाते हैं प्रीडेटर की वजह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। इसी वजह से जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, तो जो मेल और फीमेल पार्टनर्स है वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो एक चीज़ आपको लर्न रखनी है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर होते हैं, हैव टू अमाउंट के अंदर होते हैं। दोनों पार्टनर्स करेंगे, वो मेल पार्टनर्स भी हो सकता है और फीमेल पार्टनर्स भी हो सकता है, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर होती है, इसी वजह से वो एक सेफ या प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दे पाते हैं। इस कंडीशन के अंदर जो मेल पार्टनर है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर गैमेट प्रोड्यूस करता है, जो फीमेल पार्टनर है, जो अपन सेकेंड बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर, फीमेल पार्टनर कम से कम गैमेट प्रोड्यूस करती है, बहुत ज़्यादा कंडीशन के अंदर सिर्फ एक ही गैमेट प्रोड्यूस हो पाता है, और जो मेल पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा गैमेट को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको लर्न रखनी है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो फीमेल पार्टनर है वो एक गैमेट प्रोड्यूस करती है, मेल पार्टनर एक से ज़्यादा गैमेट को प्रोड्यूस करता है। दूसरी देखो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, वहीं पे जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल या स्टेशनरी होता है, उसकी साइज बड़ी होती है, वहीं पे मेल गैमेट की साइज छोटी होती है, क्योंकि मोटाइल होने की वजह से उसकी एनर्जी यूज हो जाती है, इसी वजह से उसकी साइज भी रिड्यूस्ड हो जाती है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में दिखाई दी जाती है, जैसे रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर, ये तीनों क्लासेस इंटरनल फर्टिलाइजेशन को शो करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है,
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ऐसे इवेंट जो फर्टिलाइजेशन के बाद में होते हैं, जायकोट बनने के बाद में जो भी होगा, उन सारे इवेंट्स को अपन क्या करते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर डालते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे देखो फर्स्ट है एम्ब्रियोजेनेसिस, और या जिसे अपन कहते हैं सेल डिविजन या सेल डिफरेंशिएशन। तो फिर देखो नेक्स्ट इसके बाद में इवेंट क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, वो सारे इवेंट जो फर्टिलाइजेशन के बाद में होते हैं, तो उन इवेंट्स को अपन क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बनते हैं। देखो फर्टिलाइजेशन के अंदर जायगोट बना था, अभी जायगोट फर्दर आगे कुछ चेंजिंग शो करता है। जायगोट के अंदर देखो क्या होता है कि जो जायगोट बना है, इस जायगोट के अंदर दो तरीके की अब चेंजिंग होगी। ये जायगोट आगे जाकर ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएगा, इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स को अपन क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। तो ये एम्ब्रियो ऐसे ही नहीं बनता, एम्ब्रियो एक्चुअल के अंदर दो तरीके की चेंजिंग की वजह से बनता है। एक तो जायगोट के अंदर क्या होती है, सेल डिवीजन होती है। तो सेल डिवीजन किस सेल प्रोसेस से होती है, दो तरीके की होती है, कि अभी मियोसिस होगा या माइटोसिस होगा। मियोसिस सिर्फ गैमेट बनने के वक्त ही होता है। तो मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर जो सेल डिवीजन है वो कैसे होती है, माइटोसिस से होती है, अगर अपन ह्यूमंस और प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। तो सेल डिवीजन कैसे होती है, माइटोसिस से होती है। और दूसरा होता है सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिफरेंशिएशन की वजह से जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो फर्दर मॉडिफाइड हो जाते हैं किसी एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर, टिश्यू के अंदर, ऑर्गन के अंदर, किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सेल डिवीजन की वजह से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, और सेल डिफरेंशिएशन की वजह से जो ये सेल्स है ये किसी पर्टिकुलर टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के अंदर मॉडिफाइड हो जाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि जायगोट बनने के बाद में सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन की वजह से एक न्यू और स्ट्रक्चर्स बनती है, जिसे अपन एम्ब्रियो कहते हैं। और जी एम्ब्रियो आगे जाकर किस पे चेंज हो जाता है, टिश्यू के अंदर, और टिश्यू के बाद में ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम। इस तरीके से एक ऑर्गेनिजम्स बन जाता है, डिपेंड करता है कि वो किस स्पीशीज की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट है, उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक है। अगर टिश्यू लेवल तक है तो टिश्यू लेवल तक, ऑर्गन लेवल तक है तो ऑर्गन लेवल तक, अगर इन द केस अगर वो ऑर्गन सिस्टम लेवल तक है जैसे हमारे अंदर, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल तक ये सारे इवेंट्स चलते रहते हैं। अब फिर देखो नेक्स्ट क्या है के जो जायगोट की डेवलपमेंट होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये सारे जो इवेंट्स होते हैं, मतलब जायगोट के बाद में जो इवेंट्स है जिसे अपन एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर मानते हैं, कि ये इवेंट्स कहाँ पे होते हैं, इसके रिजल्ट के अंदर जो एक न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है उसकी शेप क्या होती है या उसकी डेवलपमेंट क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं ओवीपेरस, दूसरे होते हैं विवीपेरस। इन द केस अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स एक को ले करता है तो उन ऑर्गेनिजम्स को अपन क्या कहते हैं, ओवीपेरस। देखो ओवी का मतलब क्या होता है, ओवी का मतलब होता है ओवल शेप, और ओवल किसकी शेप होती है, एक की। तो इस वजह से अपन ये कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक को ले करते हैं तो उन ऑर्गेनिजम्स को अपन क्या कहते हैं, ओवीपेरस कहते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो यंग वन को बर्थ देते हैं, जैसे ह्यूमन की कैटेगरी के अंदर, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, विवीपेरस। विवी का मतलब होता है यंग वंस। तो जैसे हमारे अंदर क्या होता है कि हमारे अंदर ह्यूमन्स के अंदर कि जो बच्चा पैदा होता है वो एक्चुअल के अंदर मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट के सिमिलर ही होता है। तो इस कंडीशंस के अंदर इन ऑर्गेनिजम्स को अपन विवीपेरस कहते हैं। बर्ड की कंडीशन के अंदर जो बच्चा पैदा होता है तो उस कंडीशन में बच्चा पैदा नहीं होता, वो एक को ले करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ओवीपेरस कहते हैं। अब देखो एक एक्चुअल के अंदर आउटर मोस्ट एक व्हाइट कलर की लेयर से कवर्ड होता है, ये कैल्शियम की बनी हुई होती है, इस वजह से इसे अपन कहते हैं कैल्शियस शेल कहते हैं, जो उन्हें प्रोटेक्शन देता है हार्मफुल यूवी रेडिएशन से, एनवायरमेंट के टेम्परेचर से। जब अच्छे तरीके से एक के अंदर डेवलपमेंट हो जाएगी कि वो जायगोट अच्छे तरीके से एम्ब्रियो बना देगा और जो ऑफ स्प्रिंग की डेवलपमेंट भी हो जाएगी, उस कंडीशन के अंदर एक फट जाएगा जिसे अपन कहते हैं हैच आउट, और जो न्यू ऑफ स्प्रिंग है वो एक से बाहर आ जाएगा, उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। वहीं पर देखो विवीपेरस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सारी डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी के अंदर ही हो जाती है, सिर्फ यंग वंस की जन्म होती है। विवीपेरस के देखो एग्जाम्पल्स क्या आते हैं, जो मैमल्स है वो जनरली विवीपेरस के अंदर आते हैं। वहीं पे ओवीपेरस के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे रेप्टाइल्स और बर्ड्स, ये किस कंडीशंस के अंदर आते हैं, ओवीपेरस के अंदर आते हैं। तो ये एक्चुअल के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या फर्टिलाइजेशन के बाद में जो चेंजिंग है उसके बारे में। उसके बाद देखो अपने बुक के अंदर एक लास्ट टॉपिक लिखा हुआ है कि सेम तरीके से प्लांट के अंदर भी कुछ चेंजिंग होती है, क्योंकि वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। जो इवेंट हमने पढ़े हैं ये इवेंट प्लांट के अंदर भी है और एनिमल के अंदर भी है, क्योंकि देखो अपन ने एक लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हैं वो दोनों के अंदर कॉमन है, और ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है प्लांट और एनिमल के अंदर। तो प्लांट के अंदर क्या होता है,
तो प्लांट की कंडीशन के अंदर जो ओव्यूल होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में, वो सीड में चेंज हो जाता है, और जो ओवेरी है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लर्न रखनी है इन द केस ऑफ प्लांट की कैटेगरी के अंदर, जो अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एक्चुअल के अंदर। ये दोनों पॉइंट्स अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, इस वजह से मैंने ये सोचा कि वो अपन उसी चैप्टर के अंदर स्टडी कर लेंगे। तो नोट्स के अंदर ये नहीं लिखे हुए हैं, तो अपन ये कहते हैं कि ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है, सीड में फर्टिलाइजेशन के बाद में, और वहीं पे जो ओवेरी होती है वो किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट के अंदर चेंज हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद में। तो ये कुछ चेंजिंग है जो प्लांट के अंदर दिखाई दी जाती है। चैप्टर फर्स्ट के अंदर देखो, लास्ट के अंदर ओवेरी और ओव्यूल की स्ट्रक्चर दी हुई है चैप्टर फर्स्ट के लास्ट में, तो वो अच्छे तरीके से लर्न करके जाना लेबलिंग, क्योंकि वो स्ट्रक्चर नीड के अंदर पूछी जाती है, उसकी लेबलिंग पूछी जाती है कि ओवरी वाला पार्ट कौन सा है, ओव्यूल वाला पार्ट कौन सा है, या कौन सा पार्ट फ्रूट में चेंज होगा, कौन सा पार्ट सीड में चेंज होगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट लर्न रखना है कि ओव्यूल सीड में, ओवरी फ्रूट में, फिर वो उसी स्ट्रक्चर की लेबलिंग लर्न करके जानी। तो यहाँ पे अपन का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर आप अच्छे तरीके से लर्न करोगे, आपकी CBSE बोर्ड हो, RBSE बोर्ड हो, या नीट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सारे क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। इन द केस अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो नीट के ऊपर NCERT के ऊपर फोकस देते नहीं है, और NCERT से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखो नीट के अंदर 90 बायो के क्वेश्चन आते हैं, सपोज करो NCERT से 88 आ गए, 2 out of आ गए, तो उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप 88 की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जाते हो तो 2 वैसे ही आपसे हो जाएंगे इतनी नॉलेज होने के बाद में। थैंक यू, और हम हमारी चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।